दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन दबाए स्मार्टफोन और गैजेट रिव्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके पास पुराना मोटोरोला मोटो E3 पावर, मोटो G4 प्ले या मोटो G4 सीरीज के कोई भी फ़ोन है तो आप उसका लुक्स पूरा चेंज करके मोटो G5 प्लस जैसा बना सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ मोटोरोला मोटो E3 पावर, आप मोटो G4 प्ले मोटो G4 प्लस यूज़ करके भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने के लिए आपको तीन फाइल चाहिए होंगे। तीनों फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा। सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा अननोन सोर्सेज का ऑप्शन। ये अननोन सोर्सेज का ऑप्शन आपको चेक कर देना है। इसके बाद आप जाइए आपके डाउनलोड लोकेशन पे जहाँ पे आपका फाइल जो है डाउनलोडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फाइल्स हैं, एक लॉन्चर है और एक विजेट है, और वॉलपेपर जो है वॉलपेपर भी आप डाउनलोड कर लीजिए। पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा लॉन्चर। लॉन्चर 3 वोल्ट के ये एक लॉन्चर है, इसको आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप टाइम वेदर विजेट जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों को इंस्टॉल हो जाने के बाद आप बैक में जाइए या फिर डायरेक्टली आप होम बटन क्लिक कर सकते हैं। होम बटन क्लिक करने के बाद आपके लिए दो ऑप्शंस आएंगे, एक है गूगल नाउ लॉन्चर एज प्राइमरी होम और दूसरा है लॉन्चर 3। तो आपको लॉन्चर 3 सिलेक्ट करना है, और लॉन्चर 3 सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपका लॉन्चर पूरा चेंज हो गया है। आप किसी भी आइकन को बीच में डाल सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये जो मेनू है पूरा मेनू चेंज हो गया है और चेंज हो गया मोटो G5 प्लस जैसा बन गया है। अभी भी थोड़ा काम है दोस्तों, उसको कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फिर से होम क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है यूज लॉन्चर 3 एज होम जस्ट वन और ऑलवेज। तो आपको सिलेक्ट करना है ऑलवेज। ऑलवेज सिलेक्ट करने के बाद ये दोबारा आपको नहीं पूछेगा। होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक सर्च बार है और उसके पास में सेटिंग्स का आइकन है, इसको क्लिक करके आपको क्रिएट क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं गूगल के बाद आ गया है। और इसके बाद हमें ऐड करना है विजिट। तो विजिट ऐड करने के लिए आप सिंपली लॉन्ग प्रेस कीजिए अपने होम स्क्रीन को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे विजिट का ऑप्शन आ गया है। एकदम नीचे की तरफ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लॉक का विजिट। इसको प्रेस एंड होल्ड करना है और आपको प्लेस करना है, और आप देख सकते हैं विजिट जो है ऐड हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिट में आपको टाइम डेट एंड वेदर का इंफॉर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल सेम ऐसा विजिट आपको मिलेगा मोटो G5 प्लस में। और लास्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा वॉलपेपर। वॉलपेपर आप डाउनलोड करके सिंपली उसको सेट कर दीजिए। तो अभी आपका फ़ोन जो है पूरा लुक चेंज होके बन गया है मोटो G5 प्लस। आप देख सकते हैं पूरा मेनू चेंज हो गया है, और ये मेनू चेंज होके मोटो G5 प्लस जैसा बन गया है। आपका होम स्क्रीन भी बिल्कुल मोटो G5 प्लस जैसा ही दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोल्डर जो है, फोल्डर का शेप जो स्क्वायर शेप था वो राउंडेड हो गया है, और फोल्डर पूरा चेंज हो गया है। तो काफ़ी अच्छा और एक नया लुक दे दे रहा है ये आपके फ़ोन को। आपके पुराने फ़ोन को अगर आप एक नया लुक देना चाहते हैं, मोटो G5 प्लस जैसा बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ही इजीली कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ तीनों फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तीनों फाइल का कुल टोटल है 4 MB से 5 MB तक, जो कि आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।